हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आम जनता की राजधानी कही जाने वाली ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के नेटवर्क में चलती है। ये ट्रेन बहुत ही पॉपुलर है और ये ट्रेन कम समय में यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। जिन रूट्स पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उन रूट्स पर चलने वाली दूसरी ट्रेन के मुकाबले संपर्क क्रांति कम समय में यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है, वो भी कम स्टॉप्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को क्या क्या सुविधाएँ मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ती है। ये ट्रेन कई रूट्स पे चलती है, जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति हो गया, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति हो गया, गोवा संपर्क क्रांति हो गया, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, केरला संपर्क क्रांति, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति, आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ऐसे ही और कई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है जो कि देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ती है। इस ट्रेन का स्पीड दूसरे ट्रेन्स के मुकाबले ज़्यादा रहता है और ये ट्रेन LHB रेक्स के साथ चलती है। बात करें कोचेस की तो इस ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड AC इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC के कोचेस होते हैं। बात करें किराए की तो संपर्क क्रांति का जो किराया रहता है वो राजधानी से कम रहता है, इसलिए ज़्यादातर पैसेंजर संपर्क क्रांति में प्रिफर करते हैं ट्रैवल करना है। ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण इस ट्रेन का टिकट मिल पाना मुश्किल रहता है। बता दें दोस्तों, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन साल 2004 में लॉन्च हुई थी। ये ट्रेन थी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से निकलती है और यशवंतपुर तक जाती है। दोस्तों, बात करें कोचेस की तो इस ट्रेन में जनरल क्लास के कोचेस हैं और जनरल क्लास कोच में ट्रैवल करने के लिए आपको रिजर्वेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरल टिकट खरीदकर इस ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ बैठकर ही यात्रा कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके अपने कोच में चले जाएँ और सीट पकड़ लें, क्योंकि लेट जाएंगे तो आपको सीट मिलेगा नहीं। जनरल कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स है और फैंस दिए गए हैं और इसमें टोटल 4 वॉशरूम भी दिए गए हैं और इसके जो विंडोज़ हैं वो ओपन रहते हैं और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। इसमें सिर्फ लोअर बर्थ और अपर बर्थ रहता है जिस पर पैसेंजर बैठ के यात्रा करते हैं और साइड लोअर बर्थ रहता है और उसके ऊपर रैक दिया गया है, वहाँ पर पैसेंजर अपना लगेज रखते हैं और लोअर सीट के नीचे अपना लगेज रख के ट्रैवल करते हैं। इस ट्रेन के जनरल क्लास का कंडीशन बहुत ही ख़राब रहता है क्योंकि इसमें इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने को जगह भी नहीं रहता है। स्पेशली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है जो दिल्ली से निकलती है, उसका हालत बहुत ही ख़राब रहता है। कोई भी सीज़न हो, वो उस ट्रेन के जनरल क्लास में हमेशा पब्लिक भरी हुई रहती है। वहीं पे दोस्तों, अगर बात करें स्लीपर क्लास कोच की तो स्लीपर क्लास कोच में ट्रैवल करने के लिए आपको रिजर्वेशन करवाना ज़रूरी है। बिना रिजर्वेशन के स्लीपर क्लास कोच में इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, एक मिरर रहता है, इसके लोअर सीट साइड लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं। इसके एक कैबिन में टोटल 8 सीट्स होते हैं, लोअर मिडल अपर, उसके अपोजिट लोअर मिडल अपर और साइड में 2 सीट्स होते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। इसके विंडोज़ ओपन रहते हैं और हर कैबिन में फैंस दिए गए हैं जिससे कि गर्मी से राहत मिलती है। तो आपको जब भी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास कोच में ट्रैवल करना हो तो आप रिजर्वेशन ज़रूर करवाएं। बिना रिजर्वेशन के इस ट्रेन में ट्रैवल ना करें और वेटिंग टिकट से भी ट्रैवल ना करें। अगर आपके पास कन्फर्म सीट है, कन्फर्म टिकट है, तभी आप ट्रैवल करें, नहीं तो यात्रा के दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं पे बात करें दोस्तों थर्ड AC की, तो थर्ड AC की भी एक कैबिन में टोटल 8 सीट्स होते हैं, लोअर मिडल अपर, उसके अपोजिट लोअर मिडल अपर और साइड में 2 सीट्स होते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। इसके कैबिन में भी मिरर दिया गया है, मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, एक साइड टेबल है जहाँ पर आप अपना खाना रख के खा सकते हैं, देन इसके विंडोज़ बड़े हैं, उसके ऊपर कर्टन्स लगे हुए हैं, आप अपना लगेज लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे रख सकते हैं। और हर थर्ड AC कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं। जब भी आप थर्ड AC कोच में ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। और थर्ड AC कोच में कोच अटेंडेंट रहते हैं जो कि यात्रा के दौरान आपकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। दोस्तों,
थर्ड एसी कोच में यात्रा करने के लिए आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप इस कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा थर्ड एसी कोच में ट्रैवल करने से पहले आप रिजर्वेशन करवा लें और कंफर्म बर्थ रहे तो ही आप ट्रैवल करें। दोस्तों वहीं पे बात करें सेकेंड एसी कोच की, तो सेकेंड एसी कोच के एक कैबिन में टोटल 4 सीट्स होते हैं, लोअर अपर, उसके अपोजिट सेम लोअर अपर, इसमें मिडल बर्थ नहीं रहता है। इसमें भी मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। एक मिरर है आपके कैबिन में, इसके विंडोज़ पड़े हैं और उसके ऊपर कर्टन्स लगे हुए रहते हैं। सीट के साइड में रीडिंग लाइट्स लगे रहते हैं जिसको ऑन करके आप बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और सीट के साइड में वाटर बॉटल होल्डर है जहाँ पे आप अपना पानी का बॉटल रख सकते हैं। आप अपना लगेज लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे रख सकते हैं। वहीं पे अगर आपको प्राइवेसी चाहिए ट्रैवल के दौरान, तो सेकंड एसी कोच आपके लिए बेस्ट है कि इसके कैबिन हो गया या साइड अपर साइड लोअर बर्थ हो गया, वहाँ पे कर्टन्स लगे हुए रहते हैं, तो यात्रा के दौरान आप कर्टन्स बंद करके यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं आएगा, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। जब भी आप सेकंड एसी कोच में ट्रैवल करेंगे उसमें आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। और हर सेकेंड एसी कोच में कोच अटेंडेंट रहते हैं जो कि यात्रा के दौरान आपकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। और हर सेकेंड एसी कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं। वहीं पर सेकेंड एसी कोच में ट्रैवल करने के लिए रिजर्वेशन करवाना जरूरी है। बिना रिजर्वेशन के आप सेकेंड एसी कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, कंफर्म बर्थ होना चाहिए, तभी आप सेकेंड एसी कोच में ट्रैवल कर पाएंगे। वेटिंग टिकट के साथ आप सेकेंड एसी कोच में बिल्कुल ना ट्रैवल करें, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। सिर्फ कंफर्म टिकट रहेगा तभी आप ट्रैवल करें। वहीं पे बात करें फर्स्ट एसी कोच की, तो दोस्तों फर्स्ट एसी कोच में 2 टाइप के सीट्स होते हैं, एक कैबिन होता है और एक कूपे होता है। कैबिन में टोटल 4 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, जिसमें लोअर सीट रहता है, अपर सीट रहता है, उसके ऑपोजिट सेम लोअर और अपर रहता है। और इसमें भी आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें मिरर दिया गया है, एक साइड टेबल है जहाँ पे आप अपना खाना रख के खा सकते हैं, लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं। और वहीं पे बात करें कूपे की, तो कूपे में 2 सीट्स रहता है, लोअर और अपर। ये कपल्स के लिए बेस्ट माना जाता है, अगर 2 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो कूपे में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें भी मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। देन फिर मिरर दिया गया है, साइड टेबल है, वाटर बॉटल होल्डर है, लोअर सीट के नीचे आप अपने लगेज रख सकते हैं। और फर्स्ट एसी की खासियत ये है कि इसके कैबिन हो या फिर कूपे हो, उसमें दरवाज़ा रहता है, तो आप दरवाज़ा बंद करके ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपकी प्राइवेसी के लिए बेस्ट है, कोई भी पैसेंजर नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके कूपे या कैबिन में। और जब ये फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। और हर फर्स्ट एसी कोच में कोच अटेंडेंट रहते हैं जो कि आपकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। फर्स्ट एसी कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं। और मेन खासियत यह है कि फर्स्ट एसी कोच में बाथरूम भी रहता है, जिसमें आप यात्रा के दौरान नहा भी सकते हैं। अगर आपको स्नान करना हो तो आप बाथरूम में जाकर शावर ले सकते हैं। और वहीं पर बात करें साफ सफाई की, चाहे वो जनरल क्लास हो, स्लीपर क्लास हो, थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी, जो ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ है रेगुलर इंटरवल्स पर आपके आके कोचेस की साफ सफाई किया करते हैं। और दोस्तों बता दें फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करने के लिए आपको रिजर्वेशन करवाना जरूरी है। बिना रिजर्वेशन किए आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास कंफर्म बर्थ होना चाहिए तभी आप फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें खाने पीने की, ट्रेन में पेंट्री कार की सर्विसेज रहती है, तो अगर आपको खाना खाना हो तो आप पेंट्री कार से खाना खरीद कर खा सकते हैं। और इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए इसका टिकट IRCTC की वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी भारतीय रेलवेज के नेटवर्क में चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। क्या आपने कभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल किया है, और अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो भी आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।